हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक क्वेश्चन जो कि जी मेंस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 36 टेंस ऑफ 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री माइनस 1 इनटू 4 cos स्क्वायर 27 डिग्री माइनस 1 इनटू 4 cos स्क्वायर 81 डिग्री माइनस 1 इनटू 4 cos स्क्वायर 243 माइनस 1। ओके, ऑप्शंस है 27, 36, 18 एंड 54 रिस्पेक्टिव। ओके, तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म देख लेते हैं जो कि आप लोगों को पॉसिबली पता होगा। देखो, सारे का पैटर्न तो सेम है, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। थीटा का वैल्यू अलग अलग केस में अलग अलग है। तो अगर हम लोग पहले इसको सिंप्लीफाई कर ले 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को, तो क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं। 4 एंड cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस 1। अगर इस 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कि हो जाएगा आपका 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना, ऐसा कोई फॉर्मूला, देखो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा कोई फॉर्मूला होता है एक्चुअल में, दिख नहीं रहा आपको अभी फिलहाल, हम क्या करते हैं ना, ऊपर और नीचे दोनों में साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या हो जाएगा देखो, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा और डिवाइड बाय साइन थीटा हो जाएगा। ऊपर भी साइन थीटा मल्टीप्लाई किया और नीचे भी साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, तो कुछ इस तरह का पैटर्न बन गया, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा डिवाइड बाय sin थीटा। तो ये एक्चुअल में कौन है, ये एक्चुअल में है आपका sin ऑफ 3 थीटा डिवाइड बाय sin ऑफ थीटा। मतलब आपका जो पैटर्न दिया है 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दिस इज एक्चुअली sin 3 थीटा बाय sin थीटा है। ओके, तो खत्म, काम खत्म। देखो ये कितना हो जाएगा, 36 है आपके पास। अब इसके अकॉर्डिंग थीटा का वैल्यू 9 डिग्री है, तो ये एक्चुअली 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री माइनस 1 कितना हो जाएगा, sin 3 into 9 डिवाइड बाय sin 9। इसका मतलब sin ऑफ 27 डिग्री डिवाइड बाय sin ऑफ 9 डिग्री बन जाएगा। ओके, सिमिलरली सेकंड केस में थीटा के प्लेस में 27 है, तो 3 into 27 बाय नीचे यहां पे 27 हो जाएगा, तो नीचे में तो आपका sin ऑफ 27 डिग्री हो जाएगा, और 27 का अगर डबल ट्रिपल करोगे तो 81 डिग्री हो जाएगा। सेकेंड पोर्शन का भी काम खत्म। थर्ड पार्ट का वैल्यू नीचे आएगा आपका साइन ऑफ 81 डिग्री, और 81 को ट्रिपल 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 243 डिग्री आएगा। और एक आखिरी बचा हुआ है, नीचे में आएगा आपका साइन ऑफ 243 डिग्री, और ऊपर में इसका 3 गुना ट्रिपल, इसका मतलब साइन ऑफ 9 कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई 2 और 729 डिग्री हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट था सब क्वेश्चन का, चार टर्म्स, चारों क्या हो गया, सिंपल टर्म में कन्वर्ट हो गया। अभी देखो ये 27 इस साइन 27 से कटेगा, साइन 81 साइन 81 से कटेगा, साइन 243 साइन 243 से कटेगा। ओके, अब जो बचा हुआ टर्म है वो कौन है, 36 इंटू साइन ऑफ 729 डिग्री, और 729 को आप क्या लिख सकते हो, 90 इंटू 8 हो गया 720 डिग्री, और प्लस 9 डिग्री, इसको हम लोग 90 डिग्री ही लिख देते हैं, पाई नहीं लिखते, 90 डिग्री लिख देते हैं, और डिवाइड बाय कौन है नीचे आपका, साइन ऑफ 9 डिग्री। अब 90 इंटू 8 है, 8 का मतलब इवन नंबर, तो इवन नंबर है तो साइन में ही रहेगा, साइन रहेगा आपका साइन में, और एंगल रहेगा 9 डिग्री। आपने 8 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 0, और इस सारे देखो 0, 1, 2 एंड 3 ये चारों लाइन का नाम था, नंबर था, 0 आया है रिमाइंडर, 8 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 0, मतलब आप अभी फिलहाल इस लाइन पे खड़े हो, और प्लस है मतलब आपको जाना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अगर यहाँ पे माइनस होता तो आप जस्ट नीचे जाते बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो फिलहाल आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होता है, तो ये साइन भी पॉजिटिव ही होगा, और डिवाइड बाय साइन ऑफ 9 डिग्री, तो ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, और आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा कितना, 36 डिग्री। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 इज आवर करेक्ट, ये सारे ऑप्शन जो है ना वो डिग्री में था। ओके, मैं मिस्टेक कर रहा हूं कुछ, सॉरी, डिग्री में नहीं था, ये तो वैल्यू आएगा ना, दिमाग घूम गया। ओके, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, डिग्री तो कट गया ना। ओके, तो आंसर हो जाएगा फिलहाल 36। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।